15 जुलाई 1936 को अप्रकाशी के नाम से मशहूर जयपुर में जन्मे डॉक्टर कलानाथ शास्त्री उन बिरले लोगों में एक हैं जिन्हें संस्कृत और संस्कृति का माहौल बचपन से ही मिला। जाने माने संस्कृत वेता स्वर्गीय मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने अपने पिता समेत कई विद्वानों से संस्कृत की शिक्षा तो ली ही, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी में एमए की डिग्री भी हासिल की। मकसद था हर भाषा में छिपे ज्ञान का अर्जन और बेहतर नौकरी। हम लोगों की प्रारंभ से ये मान्यता रही कि संस्कृत का विद्वान हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, केवल एक भाषा पढ़ने से न तो वैदुष्य आता है न जीवन की सफलता होती है। अंग्रेजी का अध्ययन बहुत से ज्ञान विज्ञान के खजाने की कुंजी है, इसमें ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, इस दृष्टि से अंग्रेजी पढ़ी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और ब्रज भाषा में 100 से ज्यादा ग्रंथों का लेखन और संपादन कर चुके डॉक्टर कलानाथ शास्त्री के खाते में साहित्य सृजन का लंबा अनुभव है। बावजूद इसके उनके लिए तय करना मुश्किल है कि उनके सृजन में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। डॉक्टर कलानाथ शास्त्री का तर्क है कि अब तक लिखे ग्रंथों से उन्हें वे संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उन्हें दरकार है। पाश्चात्य पद्धति से विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कर भाषा और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले डॉक्टर कलानाथ शास्त्री ने भाषा विज्ञान पर ही शोध किया। पहले अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक, फिर कालाडेरा और डीडवाना कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर कलानाथ शास्त्री संस्कृत शिक्षा निदेशक भी रहे तो भाषा निदेशक भी बनाए गए। लंबे भाषा ज्ञान के बाद उनका आकलन है कि संस्कृति का ज्ञान संस्कृत में ही छिपा है। इसमें एक भाषा से कभी कोई काम नहीं चल सकता, तो ब्रज भाषा साहित्य की भाषा है, संस्कृत संस्कृति की भाषा है, अंग्रेजी आधुनिकता की भाषा है, हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं को पढ़े बिना, उन पर अधिकार प्राप्त किए बिना आज की नई पीढ़ी का भविष्य नहीं है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि जितनी अधिक भाषाएं व्यक्ति जाने उतना ही उसका हित होगा। भाषा विज्ञान की इसी सेवा का असर रहा कि डॉक्टर कलानाथ शास्त्री को कोई 2 दर्जन बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके लिए यादगार क्षण वह रहा जब 1998 में महामहिम राष्ट्रपति ने संस्कृत वैदुष्य के लिए उनकी सेवाओं का सम्मान किया। सामान्यतः हमारे यहाँ संस्कृत विद्वानों में राष्ट्रपति का सम्मान एक मिलता है, प्रेसिडेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जब मेरा सम्मान हुआ राष्ट्रपति भवन में, तो उस समय KR नारायणन राष्ट्रपति थे, उन्होंने सम्मान के बाद ये बात पूछी कि संस्कृत भाषा और अन्य भाषाओं में क्या विशेषता है। तो मुझे और कुछ तो नहीं सूझा, तो मैंने ये बात उनसे कही कि संस्कृत एक ऐसी विचित्र भाषा है कि जिसमें 3 वचन अभी तक हैं, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर, 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब फिर वहाँ एक अरबी के विद्वान पास में थे, उन्होंने भी कहा कि बात सही है, इस समय पहले अंग्रेजी में, लैटिन में, इन सब में ड्यूअल नंबर हुआ करता था, किंतु अब किसी भी भाषा में नहीं है, संस्कृत में है और अरबी के पुराने हिस्से में है। तो नारायण साहब भी बहुत प्रसन्न हुए, और वहीं पर सोनिया जी भी थी, सोनिया गांधी उस समय आई थी, तो उनको भी ये आश्चर्य हुआ कि एक ऐसी भाषा है जिसमें 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन तीनों हैं। तो एक तो राष्ट्रपति भवन के वे क्षण जब इस प्रकार की चर्चा हुई, मुझे नहीं भूलते हैं। संस्कृत के पुरोधा देवर्षि कलानाथ शास्त्री अभी थके नहीं हैं। उनकी सृजन यात्रा पहले से भी कहीं बेहतर अंदाज में जारी है। वे चाहते हैं कि और बेहतर लिखें और बेहतर सृजन करें। साथ ही उनकी चाहत है कि विश्व की अधिकाधिक भाषाओं की जननी संस्कृत को नित नई दिशा देने की। उनका मत है कि भारत का भविष्य संस्कृत में छिपा है तथा संस्कृत ही ज्ञान विज्ञान की शब्दावली है। हिमगिरि धवल किरीटा गंगा यमुनोत्तरीय कृत शोभा दक्षिण जलधि क्षालित चरणा भारत वसुंधरा जयति। हिमगिरि धवल किरीटा गंगा यमुनोत्तरीय कृत शोभा दक्षिण जलधि क्षालित चरणा भारत वसुंधरा जयति।